Hello everyone, I'm Dr. Aarti Motiani, Shelby Hospital से full-time pediatrician. तो आज हम बात करेंगे बच्चों में होते हुए स्टैमरिंग के बारे में, जो बच्चे हकलाते हैं, जो बच्चे बीच बीच में रुक के बात करते हैं, तो उसको हम स्टैमरिंग या स्टटरिंग बोलते हैं. तो कैसे जाने कि व्हाट इज दिस प्रॉब्लम. तो जैसे बच्चा बोलते बोलते अटकता है या फिर कोई लंबे वर्ड्स बोलता है, जैसे मिल्क की जगह पे मिल्क ऐसा बोलता है, या फिर बीच में अननेसेसरी जगह पे पॉज देता है, जैसे मुझे खाना चाहिए. अगर वो ऐसा बोलता है मुझे खाना फिर चाहिए, तो अगर वो अननेसेसरी पॉज है, अननेसेसरी रिपीटेशंस है, बीच में एबनॉर्मल वर्ड्स है, जैसे हमें कल ऐसा बोल रहा है, एबनॉर्मली लंबा वर्ड खींच रहा है, तो उसको हम हकलाना बोलते हैं. तो ये जनरली बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हम 2 से 5 साल के बच्चों में देखते हैं, और वो कभी कभी दिखता है. जैसे कभी कोई लोगों के गैदरिंग में गए, कहीं पे स्कूल में कुछ कॉम्पिटिशन में बात किया, कभी बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में फास्ट बोलने की कोशिश करता है, तभी ये प्रॉब्लम होता है. सो दैट इज कम्प्लीटली फाइन. अगर बच्चे का एज 5 साल से कम है, ये प्रॉब्लम ओकेजनली आता है जब बच्चा बहुत ज्यादा स्पीड में बोलने का ट्राई करता है, बच्चा बीमार है, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम आ रहा है. सो दैट इज कम्प्लीटली फाइन. सो जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल डिसफ्लुएंसी, क्योंकि 2 से 5 साल के बच्चों का डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है, वो नए नए वर्ड सीख रहे हैं, वो बहुत फास्ट बोलना चाहते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि बच्चों के दिमाग से जो सिग्नल जाता है वो टंग और जॉ में जाता है बोलने के लिए, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके दिस टाइप ऑफ स्टैमरिंग इज कॉमन 2 से 5 साल के बच्चों में. वो कभी कभी आते हैं जब बच्चा बहुत फास्ट बोलने की कोशिश करता है, बच्चा बीमार है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि नहीं बच्चा बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा. तो कब हमें टेंशन लेना है, जिसको हम रेड फ्लैग साइन बोलते हैं. अगर घर में किसी को सेम प्रॉब्लम था, मतलब पेरेंट्स को, सिबलिंग को, किसी को सेम प्रॉब्लम था. सेकेंड थिंग, अगर बच्चे को और कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बच्चे को खींच आ रही है, बच्चे को चलने फिरने में प्रॉब्लम है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके साथ ये प्रॉब्लम है, या फिर बच्चे को बिहेवियरल प्रॉब्लम है, जैसे ऑटिज्म का दिक्कत है, उसके साथ हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम है, बच्चे का सोशल एक्शंस अच्छे नहीं है, सो बिहेवियरल प्रॉब्लम के साथ स्टैमरिंग विल रिक्वायर ट्रीटमेंट. सो एज अ पेरेंट्स आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज इज इसको आप फोकस ऑफ पॉइंट मत बनाए. हर बार बच्चे को ऐसा आप उसको एनकरेज कीजिए, जब भी वो पूरे वर्ड्स बोलता है, पूरे सेंटेंसेस बोलता है, तो आप उसको उसकी तारीफ कीजिए. जब वो बीच बीच में अटक जाता है तो उसको टाइम दीजिए, सो रिलैक्स मैनर में उसको बोलने का टाइम दीजिए. इसके लिए स्पीच थेरापी अवेलेबल है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अवेलेबल है. जब बच्चा बीमार है, आप उसको एनकरेज कीजिए, जब भी वो पूरे वर्ड्स बोलता है, पूरे सेंटेंसेस बोलता है, तो आप उसको उसकी तारीफ कीजिए. जब वो बीच बीच में अटक जाता है तो उसको टाइम दीजिए, सो रिलैक्स मैनर में उसको बोलने का टाइम दीजिए. इसके लिए स्पीच थेरापी अवेलेबल है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अवेलेबल है. जब बच्चा बीमार है या बच्चे का मूड नहीं है, तो अननेसेसरी आप ये प्रैक्टिसेस उस टाइम पे मत करवाइए. सो टेक अ चार्ज ऑफ योर बेबीज मूड. अगर वो ठीक नहीं है, वो नहीं करना चाहता है, तो अननेसेसरी उस टाइम पे आप प्रेशर मत दीजिए. सो कभी कभार आप उसको वो स्पीच थेरेपी नहीं दिलवाया, सो इट्स फाइन. और घर पे भी आपको इसको डिसेबिलिटी की तरह नहीं लेना है, वो जो बाकी की उसकी स्किल्स है, बाकी की एक्टिविटी है, कीप अ फोकस ऑन दैट थिंग. आपको भी उसके साथ ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करनी है, जब बच्चा स्पीच थेरेपी लेता है, जैसे उनको फेज मैनर में स्लोली बोलने का सिखाया जाता है, यू ऑल्सो हैव टू टॉक लाइक दैट. आपको उनको आपको पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंसी रखना है. सो इफ यू डू दिस काइंड ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, एंड अगर उसको टाइमली आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, इफ रिक्वायर्ड स्पीच थेरेपी स्टार्ट की जाती है, देन इट रिकवर्स कंप्लीटली. ऐसा नहीं है कि ये स्टैमरिंग परमानेंट प्रॉब्लम है. सो द मेन थिंग इज अर्ली डायग्नोसिस, कि एक्चुअली ये प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं, वो आप डॉक्टर से जाने. और अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो गो फॉर द थेरेपीज. सो दे आर वेरी मच इफेक्टिव थेरेपीज. यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली एंड द रिजल्ट्स विल बी परमानेंट. सो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग. थैंक यू.